25 सितंबर को एक नया गैंगस्टर माफिया गेम आ रहा है जिससे मेरी काफी एक्सपेक्टेशन है कि वो जबरदस्त होगा और आई एम 99% श्योर कि वो इंडिया में भी पॉपुलर हो जाएगा बिकॉज बहुत से पॉपुलर गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स उसे खेलेंगे लाइक टेक्नो गेमर्स और कैरी मिनाटी। इसलिए वीडियो देखनी आपके लिए जरूरी है ताकि आपको पहले ही पता लग जाए इस ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा जो हमें अभी तक पता चला है और साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि ये गेम इंडिया में हिट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो माफिया डेफिनेटिव एडिशन रीमेक है ओरिजिनल माफिया द सिटी ऑफ लॉस्ट हेवन का जो 2002 में आया था। अब वो ओरिजिनल गेम अपने टाइम के हिसाब से काफी डिटेल था जिसमें ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस था, हम गैंग्स के साथ काम कर सकते थे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मिशंस थे और एक अच्छी स्टोरी लाइन भी थी। लेकिन उस गेम को 2020 में खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा क्योंकि उसके मैकेनिक्स आज के हिसाब से काफी पुराने हैं और हमें हाई ग्राफिक्स गेम खेलने की आदत पड़ गई है। तो 2002 के माफिया गेम का रीमेक करना 2K गेम्स और हैंगर 13 के लिए जैसे डूबते हुए तिनके का सहारा है क्योंकि माफिया 3 से बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन थी उसने पूरी नहीं की और वो पसंद नहीं आया था लोगों को। अब वो क्यों पसंद नहीं आया, खैर वो तो किसी अलग वीडियो का टॉपिक है और मैं उसे अभी नहीं कवर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, माफिया डेफिनेटिव एडिशन से जो पुराने फैंस है ना वो वापस आ सकते हैं और वो नया गेम ऐसा यार ये डिजर्व करता है एक रीमेक को। तो बात करेंगे कि इस गेम में ऐसा क्या होने वाला है, इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, गेम प्ले डिटेल्स, मैप और सब फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टोरी का तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये स्टोरी है थॉमस एंजेलो की जो की टैक्सी ड्राइवर है और बाय चांस क्राइम वर्ल्ड में एंट्री मारता है एक इटालियन माफिया के साथ जुड़कर, माफिया के लिए काम करके और फिर खुद एक माफिया बन के उसकी लाइफ कैसी हो जाती है और फिर उसकी एंडिंग और फिर मतलब कैसी कैसी चीजें होती हैं उसकी लाइफ में, वही सब उसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। और मैं आपको बता रहा हूँ यार, काफी अच्छी स्टोरी है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा स्टोरी का क्योंकि आपको पता ही होगा और अगर नहीं पता तो ये गेम जब आएगा तब भी आप देखना। अब ये गेम 1930s में सेट है तो हमें उस टाइम की अमेरिकन सिटी, वेपन्स और कार्स मिलेंगे और साथ ही इस गेम में मोटरसाइकिल भी होगी। तो ये काफी स्ट्रेंज है कि माफिया 2 और माफिया 3 में बाइक्स नहीं थी लेकिन माफिया 1 डेफिनेटिव एडिशन में बाइक्स होंगी क्योंकि माफिया 2 और माफिया 3 तो बाद में सेट है लेकिन माफिया 1 पहले है। जैसे हैंगर 13 ने शायद इसीलिए डाली होंगी क्योंकि लोग माफिया 3 में ही बाइक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमें नहीं मिली। अब ऐसे रियल वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले मोटरसाइकिल 1885 में बनी थी तो लॉजिकली 1930s तक काफी हद तक इंप्रूव हो गई होंगी ये मोटरसाइकिल्स, लेकिन उन्हें प्रेजेंट टाइम की बाइक से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो थोड़ी स्लो होंगी और काफी हैवी भी होंगी। वैसे ये भी एक नया एक्सपीरियंस होगा यार 1930s की बाइक्स को चला के देखेंगे कैसा लगेगा। और इस गेम को बनाने के लिए माफिया 3 का इंजन यूज किया गया है तो ड्राइविंग मैकेनिक्स और शूटिंग काफी हद तक वैसी होगी, बाकी माफिया 3 के शूटिंग स्टाइल में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स लाई गई है। पूरी सिटी को स्क्रैच से दोबारा बनाया गया और डिजाइन किया गया तो पुराने लैंडमार्क से साथ साथ नई लोकेशंस भी होंगी विद टोटली न्यू ग्राफिक्स एंड लाइटिंग सिस्टम। इस रीमेक का मैप भी बड़ा होगा पिछले के कंपैरिजन में और माफिया 1 का मैप भी बड़ा लगता था लेकिन एक्चुअल में उसका ज्यादातर पार्ट जो था वो हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, वो बस ग्रीन ग्रीन पोर्शन था जिसमें हम जा नहीं सकते थे। इसलिए माफिया डेफिनेटिव एडिशन के मैप में काफी डिटेलिंग की गई है और मतलब काफी भरा भरा लगेगा मैप, काफी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई क्योंकि पहले का जो मैप था, पहले का जो गेम था वो काफी खाली खाली लगता था। सारे डायलॉग्स दोबारा रिकॉर्ड किए गए और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी की मदद से नए सिनेमैटिक्स भी डाले गए। तो हैंगर 13 ने एक्चुअली स्टोरी को थोड़ा और एक्सपेंड किया है ताकि कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमें और पता लग सके। सभी पुराने कैरेक्टर्स रिटर्न करेंगे लेकिन उनके फेसेस एंड वॉइस पूरी तरह चेंज हो गए हैं और वो इसलिए क्योंकि इस गेम को बनाने के लिए उन्हें नए एक्टर्स एंड मोशन कैप्चर आर्टिस्ट ढूंढने पड़े। अब जो माफिया 1 के वॉइस एक्टर्स थे वो तो यार अब 18 साल के बाद कहां मिलेंगे और उनकी खुद की फेसेस एंड वॉइस चेंज हो गई होंगी, इसलिए इस गेम के कैरेक्टर्स की फील थोड़ी डिफरेंट हो सकती है लेकिन हाँ मेन स्टोरी वही रहेगी। हैंगर 13 ने इस बात को भी नोटिस किया है कि पुराने गेम मैकेनिक्स की वजह से माफिया 1 के मिशंस काफी डिफिकल्ट थे, तो ऐसे में इस चीज का ध्यान रखते हुए मिशंस तो वही हैं लेकिन उन्हें इंप्रूव किया गया काफी। 2K ने माफिया डेफिनेटिव एडिशन के एक मिशन का गेम प्ले भी हमारे साथ शेयर किया था तो उसमें दिख रहा था कि गेम प्ले माफिया 3 जैसा है लेकिन कुछ नए फीचर्स भी डाले गए हैं और इंप्रूव किया गया। हाँ, लेकिन ग्राफिक्स मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं लगे, मेरे हिसाब से जैसे माफिया 3 के ग्राफिक्स थे ना वैसे ही है, बस थोड़ा इंप्रूव किया होगा। अब हैंगर 13 में बहुत से वो लोग भी है जिन्होंने ओरिजिनल माफिया पर काम किया है तो ये गेम काफी लव एंड डेडिकेशन के साथ बनाया गया है, मतलब जैसे माफिया 3 कितना रेपिटेटिव और थोड़ा जल्दबाजी में बनाया हुआ गेम लग रहा था वैसा इस गेम के साथ नहीं होना चाहिए। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार वो बग फिक्सिंग पर भी ध्यान देंगे जिससे लोग माफिया 3 के टाइम पे काफी परेशान हुए थे। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो इसे माफिया डेफिनेटिव एडिशन के नाम से क्यों मार्केट कर रहे हैं। डेफिनेटिव एडिशन सुनकर तो लगता है कि जैसे पुराने माफिया 1 में ही कुछ ग्राफिक्स को अपग्रेड कर दिया गया होगा, जबकि ये तो पूरा रीमेक है क्योंकि रीमेक वो होता है जब किसी गेम को स्क्रैच से दोबारा बनाया जाता है किसी नए गेम इंजन में, जबकि रीमास्टर या डेफिनेटिव एडिशन में तो बस थोड़ा सा ग्राफिक्स को इम्प्रूव किया जाता है, 4K का सपोर्ट आ जाता है और 2-4 नई चीजें ऐड हो जाती हैं। और आप इस गेम को प्री ऑर्डर भी कर सकते हो, स्टीम पे मिल रहा है 2200 रुपए का, 25 सितंबर को रिलीज हो ही जाएगा। इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अभी मुझे पता नहीं लगी है, जब आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो हैंगर 13 ने माफिया 2 डेफिनेटिव एडिशन और माफिया 3 डेफिनेटिव एडिशन भी निकाले हैं लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो अगर आपने पुराने वाले खेले ना तो नए वाले नहीं खेलो तो भी चलेगा क्योंकि कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि मुझे क्यों लग रहा है कि ये गेम इंडिया में पॉपुलर हो सकता है। देखो, पहली बात तो इंडिया में लोगों को GTA बहुत पसंद है और GTA इन इटसेल्फ इज एन ओपन वर्ल्ड गेम जिसमें ड्राइविंग होती है, शूटिंग होती है और बेसिकली लोगों को वही चीज पसंद आती है और वही चीज माफिया
का गेम भी ऑफर करेगा, तो इसलिए लोगों को ये काफी पसंद आएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए लोगों के पास पीसी होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, और एक नया गेम है तो शायद लोग इसे ट्राई नहीं कर पाएंगे। इवन मेरे को भी देखना पड़ेगा कि मेरा लैपटॉप इसे सपोर्ट करता है या नहीं, लेकिन आई थिंक बहुत सारे स्ट्रीमर्स इसे खेलेंगे। एंड मैं कुछ इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स की बात करूं, जैसे टेक्नो गेमर्स भी इस गेम को खेल सकता है क्योंकि उसने पास में भी हिटमैन 2 और गोस्ट टेकन जैसे गेम्स खेले हैं, ऊपर से वो GTA 5 तो खेलता ही रहता है, इसलिए चांसेस है कि वो इस गेम को भी जरूर ट्राई करे। वरना कैरी भी अपने सेकंड चैनल कैरीज लाइव पे इस गेम को खेल सकता है क्योंकि उसने पास में माफिया 3 भी खेला है, और वरना वो ऐसे माफिया गेम्स और ओपन वर्ल्ड गेम्स को तो खेलता ही है। एंड ये नहीं, बहुत से ऐसे पॉपुलर गेमिंग क्रिएटर्स हैं जो इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं, लाइक मिथपैट या BBS। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको इस गेम के बारे में पहले ही पता लग जाए कि ये क्या है। एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट कि यार ये जल्दी से आए, और मैं भी इसे ट्राई करके देखूंगा कि ये मेरे में पहली बार तो चलता है या नहीं, और अगर चलता है तो कैसा है। मुझे काफी उम्मीदें हैं इससे कि ये अच्छा होगा। वैसे भी यार माफिया के गेम्स काफी कम आते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।